एक्चुअल मार खाई है या एक शॉट था जो लग गया था फ्रॉम द ड्रामा या जो रोमांटिक फिल्म्स होती हैं उंगली वाला जो सीन है हाउ टू एक्चुअली डू दैट हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकल नो 3D इन दैट असल में उंगली काटी है दोबारा आ गई अलग से जोड़ी गई है इट वाज इट टुक अ मोल्ड देन दे मेड अ सिलिकॉन वर्जन ऑफ इट पेंटेड इट टू बी एज रियलिस्टिक विद द नेल एंड ऑल ऑफ इट शॉट विद माय फीट इन योर लैप मेरे पैर बर्फ हो रहे थे बर्फ और इसको बेचारे को दबाने देना आई फेल्ट हॉरिबल आई वाज लाइक अल्लाह मेरे ठंडे ठंडे पैर बेचारा लेकिन उन सीन्स में ऑडियंस को बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं होगी होपफुली Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. Karma film bahut jald release hone wali hai 2nd September all over Pakistan in cinemas. So ek interview to banta tha uski cast ke sath. Sabse interesting mujhe jo baat lag rahi thi wo ye hai ki wo KARMA nahi hai, CARMA hai. So maine kaha yaar ye kya cool touch dene ki koshish ki hai. Then I saw the trailer and I was like do dafa to maine shayad aankhon pe aise haath rakha and I was like you know तो द मोर आई सॉ द ट्रेलर द मोर आई बिकेम क्यूरियस कि यार ये क्या क्या इस कहानी के पीछे इंस्पिरेशन है वॉट वेंट बिहाइंड द सीन्स वॉट ऑल वॉज इन्वॉल्व इन दिस यू नो इंटेंस सिनारियोज जो मूवी में हमें दिखाए हैं तो हमने उसकी कास्ट को इन्वाइट किया है टू हैव अ डिस्कशन एंड फाइंड आउट कि हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आइए मिलते हैं कास्ट ऑफ कारमा अस्सलाम वालेकुम I'm sorry, I had to. I couldn't hold myself back. And I told them that आप सबसे मेरा comfort zone ऐसा है कि मैं conscious नहीं थी अगर मैं बात कर रही थी सिर्फ भी कर रही थी मैं हंस रही थी literally हम इससे पहले कह के लगा रही थी फिर मैंने कहा अच्छा अब आप ये लुक तो अभी भी लगाएंगे आप फिक्र नहीं करें ego में करके दिखाओ तो मैंने कर दिया ना उसामा yes of course मैं आज नवीन मकार पारस मस्टूर एंड उसामा सही बोला ना मैंने बिल्कुल ठीक हाँ ठीक ठाक कभी कभी वो बोल रहे हो तो नाम हाँ, भी इधर उधर हो जाए पारस्ता है नवीन उसामा उसामा वकार श्योर नाइस नाइस कॉम्बिनेशन वकार मसरूर या इन सी ए टीम किस कोर्ट पे जा रहे हैं हाँ भी सबसे पहले तो बताइए कारमा सी ए आर एम ए व्हाट्स दिस थिंग इज इट बहुत ही लेम लॉजिक मेरे जहन में आ रही थी बात लिखते हुए क्वेश्चन इज इट कि कारमा होगा लेकिन कार के थ्रू होगा आप ये भी कह सकते हैं कि कार में कारमा और कार में कारमा कार में कारमा आई थिंक इट वुड बी अ गुड थिंग टू से कि इट्स अबाउट एक्चुअल कारमा जिसको हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे एंड car with a C because the entire movie is mostly based around us in the cars. Okay. So वो उस तरह का एक you can say a pun you know as a pun they have used it. तो मैंने थोड़ा बहुत सही yeah सही मैंने उसको वो कर लिया. अच्छा जो मैंने फिल्म देखी है उसकी रेटिंग है? Is the film going to have a rating? Because it looks like one. Yes. Actually, हाँ but we are trying कि it should be क्या कहना है the word is sanitized for everybody to come and really watch think so मैं तो trailer देखकर ही मुझे लगा कि it has to have a rating well I mean very honestly speaking sure yeah. but लेकिन वो चीज हमने उस काफी हद तक tone down भी की तो नहीं वो पहले ही scene में उसके बाद वो चाकू जुबान पे वो मतलब just these two scenes well I'm sure there's more in the there is a lot more in there so my concern is ki agar hum is pe rating karenge to already jahan hum struggle kar rahe hain ki audiences ko cinema mein lekar aaye to the film will suffer because of this do you think because already aapne number of people reduce kar diye na if it's not a family movie agar uski u rating nahi aati right to kam log aayenge dekhen I think ki in this day and age hamare jo log hain वो इतना कुछ देख चुके हैं कि वो काफ़ी उनका जो क्या कहना चाहिए माइंड है वो ब्रॉड हो गया है उनके हॉराइजंस ब्रॉड हो गए हैं तो इस तरह की चीज़ें अब हजम हो जाती हैं तो आई बिलीव कि कोई भी एक्शन मूवी लगती है बाहर की या कोई भी थ्रिलर लगती है जब हमारे सिनेमाज में चाहे वो इंटरनेशनल रिलीज़ क्यों ना हो
लोग देखने जाते हैं. बिल्कुल. सो आई बिलीव कि हमारी ऑडियंसेस, द ओनली डिफरेंस इज कि ये मूवी पाकिस्तान में बनी जी. हमारी फिल्म है. तो आई डोंट थिंक कि हाँ इसमें एक्शन है, इसमें ब्लड है, गोर है, लेकिन इतना वो ग्रोस वाला नहीं है कि लोग लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चों को तो वैसे ही सिनेमा में नहीं लेके जाया जा सकता. 12 से कम नहीं देखने चाहिए. बिल्कुल. वैसे जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है एक्शन, जस्ट सम intimate scenes भी जो मैंने देखा है. Under I think parents को थोड़ा सा issue because of the blood and all of that होगा. Just parental guidance. Parental guidance is definitely like after the. आपको ये भी मैं बताऊं कि इन कार्टून्स ने तो बहुत नुकसान भी पहुंचाया लोगों को. एक बच्चा जो है वो देख रहा था कि टॉम जो है वो जब जेरी के सर में हथौड़ा मारता है तो वो मरता नहीं है, तो अगर मैं अगर अपनी अम्मी के सर में हथौड़ा मार दूंगा तो वो भी नहीं मरेंगी. He actually did it? जी, ये कनाडा में और बहुत सारी जगह पे जो हमने मालूम किया, केस स्टडीज की, तो हमें पता चला. लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, खुदा ना खास्ता. हाँ, ऐसा नहीं होगा कि बंदे को मार दिया तो वो नहीं तो मरेगा. उसको चोट लगेगी, खून भी निकलेगा. बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इस फिल्म में कि आपने जो उसामा ताहिर को आज तक देखा है या नवीन को जिन कैरेक्टर्स में आज तक देखा है या मुझे, तो आपको वो आपको हम नजर नहीं आएंगे, वो किरदार नजर आएंगे. बिकॉज जो स्क्रिप्ट है वो इतना अच्छा लिखा हुआ है और इतने डिटेल्ड में और बहुत ही, और प्लॉट पूरा ट्विस्टेड है. आप कुछ प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा. एवरी टाइम चीजें चेंज हो रही हैं और बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और कहानी कहानी है बहुत. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन कि ट्विस्टेड है बोथ सेंस के, एक तो इट्स वियर्ड और दूसरा ये भी कि हर जगह ना कुछ एक नई चीज हो रही है. हो जाती पूरी फिल्म में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है किसी भी टर्न. और स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग इज अ बिट अनकन्वेंशनल थोड़ा सा. आप उसको आप वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स पे देख सकते हैं. हमारे आज तक ऐसे लीनियर कहानी चलती है कि वो पूरा जो आर्क होता है एक्टर का वो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है. पहले उसके साथ मसले थे, फिर ये वो, फिर क्लाइमेक्स एंड. इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक ट्रीटमेंट मिलेगा कि एक कैरेक्टर अचानक से आता है और फिर उसके बाद क्या होता है और फिर उसका बैकग्राउंड और आगे सारी चीज़ें, तो बड़ा मज़ेदार एक इसका ये एक एस्पेक्ट है जो कि मुझे मज़ा आता है इसको हमेशा देखने में. और एवरी टाइम जब भी देखें तो मजा ही आता है, दिल चाहता है कि दोबारा देखें. तो अच्छा, मेकअप जो होता है एक्शन सीक्वेंसेस का या एक्शन मूवीज का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द ड्रामा या जो रोमांटिक फिल्म्स होती हैं. आई फील इसमें ज़्यादा तो वो क्या चैलेंज था, वाज इट इजी टू डू इन पाकिस्तान, बिकॉज हम ऐसी मूवीज तो एज यू सेड बनाते नहीं, वो भी इतनी जहाँ इतना एक्सट्रीम एक्शन और इतना एक्सट्रीम गोरी डिटेल्स दिखा रहे हैं. फिंगर कट रही है और आँख पे भी चोट लगी है और बहुत कुछ हो रहा है, यू नो. ये आसान था करना या इसमें चैलेंज हुआ? So is there a process you guys can run us through? Right. So my character is the one who gets the most tortured. Mm-hmm. Right. So, did you enjoy it? Oh, I loved it. I loved it. क्योंकि ऐसा क्योंकि आप हमेशा बड़े वो romantic hero आते हैं ना. हाँ ना. तो ये इधर करके फिर अब इसमें हम बिल्कुल बिखरावा देख रहे हैं. वहाँ लगी है. I actually see जब पढ़ा था तो एक चीज इंसान खुद विजुलाइज करता है, मगर जब एक्ट करते हैं ना तो फिर पता चलता है. लाइक अ लॉट ऑफ आवर सीन्स इज वेयर ही बीट्स मी अप, राइट, एंड द वे ही डिड इट एंड व्हाट वी वर डूइंग वी कोरियोग्राफ्ड इट ऑन द स्पॉट. ओके, तो पहले नहीं था. आपने एंजॉय किया? अरे क्या तो कोनिया मारी है, क्या तो एक्चुअल मार खाई है. नहीं, या एक शॉट था जो लग गया था. मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता, वो इत्तेफाक से उसने मुंह थोड़ा सा आगे कर दिया. मेरी गलती थी. मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ कि कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचे. लेकिन having said that, because we were making it on the spot, it was really exciting.
Okay. Like there was a part where he just grabbed my head and he's like, he just like smashed it onto the front seat. Mm-hmm. Right? That's one of the things that happens. Okay. And that's exciting. क्योंकि सोचा भी नहीं था. Yeah. पर मैं बोला एक सेकंड एक और दफा करते हैं ये भी एक चीज डाल देते हैं. So all of that element was super exciting, just entertaining. लेकिन मेकअप का क्या किया फिर सामा आपने? We have. क्योंकि अगर आपको सबसे ज़्यादा मार पड़ी तो मेकअप भी आपके ऊपर ही सबसे ज़्यादा हो रहा होगा. बिल्कुल. Which has to be very different. Yeah, yeah. Obviously, वो कलर से सिर्फ काम नहीं चलता. Yeah. बिल्कुल. अगर खून टपक रहा है तो क्या खून को टपकना है? Yeah. All of that stuff. तो कुछ references use किया आपने सामा मेकअप के लिए या उस चीज़ के लिए जो? So एक team थी. या किसी खास मेकअप आर्टिस्ट को आप लोगों ने introduce किया? Because I feel ऐसी बातें करना ज़रूरी है ताकि audience को भी समझ आए कि हम कितना आगे move कर रहे हैं. We actually have a fantastic sound special effects team in Pakistan. Okay. Really? We have in fact a few. Okay. Ek team ko bulaya gaya tha from Lahore, I believe. Mm. And they do some next level stuff. Okay. Really, really. I was khud bhi nikal ke dekh mera itna acha cut laga hua hai. Yeah, matlab the makeup was it was special effects, yeah. Right? So it wasn't just makeup. Yeah. And they spent hours and mujhe yaad hai ki the pre-production aspect of it began about a month before, well not a month, couple of weeks before, कि जिस तरह जो उंगली वाला जो scene है, how to actually do that, how to make it practical, yeah. practical effects, no 3D in that. बिल्कुल. Yes, there's right? no 3D in it. हाँ. असल so में उंगली काटी है इनकी दोबारा आ गई. अलग से जोड़ी गई है. तो it was also like they took a mold, yeah. then they made a silicone version of it, oh, and wow. then they painted it to be as realistic with the nail and all of it. हाँ लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस हुई थी उसकी या ऐसा नहीं, नहीं है कि वन टाइम का था वो हाँ, उसमें प्रोसेस था पूरा एक के बाद दूसरे कि होगा कैसे तो पहले उसका पूरा एक बट आई एम रियली इंप्रेस्ड आई एम सो हैप्पी कि आप ये बात शेयर कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट ऑडियंसेस एंड अस ऑल्सो नो कि आप लोग कितनी एफर्ट डालते हैं कि वो पूरा उसका बनाया And that we have this expertise. That's the biggest thing. कि हमारे पास ये है. क्योंकि अगर सुन रहा है तो वो भी उनको भी direction मिल जाएगी. अच्छा एक funny बात पूछूं आप लोगों से क्योंकि आप दोनों जरा ज़्यादा साथ हैं movie में मुझे लग रहा है. Scene ज़्यादा. हाँ सभी साथ हैं. तो ये तो अंग्रेजी बोलते हैं आप उर्दू बोलते हैं तो क्या होता था? क्या चलता था? कोई funny हुआ? आपने कुछ बोला कि यार क्या तुम अंग्रेजी बोलते कुछ तो उर्दू है नहीं ऑफ द स्क्रीन बात कर ऑफ द स्क्रिप्ट बात कर रही हूँ ऑफ द अंग्रेजी बाबू है ना ये अंग्रेजी बाबू एक दूसरे हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से तो ये अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि भाई ये तो है ही उसामा कैसे उर्दू पे आई जाहिर सी बात है ना हमें आना तो पड़ेगा उसामा ने कहा जी नहीं मुझे उर्दू आती है मैं बताता हूँ आपको कह रहे मकसद ये कि ही नोज कि हम कितने इन सिंक है इंग्लिश मीडियम में इसकी अंग्रेजी अच्छी है तो मेरी उर्दू अच्छी है ना भाई नहीं मैं तो कह रही हूँ मैं तो कह रही हूँ तो इसीलिए वो हो गया ना बराबर बराबर हो थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी होती है जब ये फुल जब ये इंटरव्यूज भी जब दे रहा होता है ना तो टाइट उर्दू के साथ ही आ रहे होते हैं और हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्या 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 बोलूँ अच्छा चलो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं जस्ट मूव ऑन तो ये चल रहा होता है इनको फर्क नहीं पड़ रहा फर्क मुझे पड़ रहा है आई एम बीइंग इनसिक्योर हाँ लेकिन इनका जो किरदार है वो उसमें तो नहीं नहीं मैं तो ऑफ द कैमरा बात कर रही थी कि इट वुड बी फन टू सी यू गाइस टॉकिंग विद ईच अदर कि आप उर्दू में बोल रहे हो मुसलसल इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता भी है मतलब जिस तरह से ये फरफर अंग्रेजी बोलते हैं तो मुझे कैच करने में टाइम लगता है कि क्या बोल गया ये तो फिर मैं सोचता हूँ फिर मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कैसे कुछ एग्जैक्टली यही चल रहा होता है लेकिन इसमें मजा बहुत आता है मैं अंदाजा लगा लेता हूँ क्या बोल रहे हो मुद्दा पकड़ लेता हूँ यही कुछ कह रहा हूँ यही मैं करता हूँ जब ये अपनी वो लुगत लाते हैं ना कहीं से तो जिस तरह मुझे भी टाइम लगा सोचने में कि लुगत क्या है लेकिन आपका कैरेक्टर दो मुझे लग रहा है एक ट्रांजिशन है उसमें पहले मुझे बड़ा वो लग रहा है फिर एकदम से बदला मारना है भाई मैंने उसको एक्सट्रीम पे जा रहा है सो हाउ वाज दैट व्हाट वाज द प्रोसेस इन इट एंड चैलेंज डू वी सी अ वेरी क्लियर कट ट्रांजिशन लाइक यू गॉट टू प्ले टू रोल्स काइंड ऑफ थिंग इट्स आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कैरेक्टर आर्क वो शुरुआत एक जगह से उसकी होती है वेयर शी इज समबडी मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम मारिया है और वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यू नो शी इज़ अ वर्किंग वुमन शी इज़ अ ट्रेंड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें भी अपेरेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि शी इज़ हैप्पी शी इज़ इन लव विद द हस्बैंड और
वहाँ से कहानी शुरुआत होती है कहानी की, और फिर दिखाते हैं कि वो किस तरह से और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो यू नो रिवेंज हो, किस तरह से वो शेप करती है इस औरत के किरदार को, उसकी सोच को, एंड एवरीथिंग दैट शी डज इन द मूवी बेस्ड ऑन दैट. एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लोज टू रियलिटी कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड. बिकॉज हमारे यहाँ होता ये है कि जब आप कोई किरदार प्ले कर रहे होते हैं, आपको चार इमोशंस मिलते हैं, अब हंसो, अब रो, अब उदास हो जाओ, अब मुस्कुराओ, ठीक है, ये चार. यहाँ पे रियलिस्टिक के इस सेंस में है कि अगर उसने सोच लिया है कि मेरी लॉयल्टी इज माय प्रोगेटिव, कि अगर तुम लॉयल नहीं हो तो बस खत्म, कुछ नहीं है, तो फिर वो लॉयल्टी ड्रिवन, यू नो, शी इज एक्टिंग बेस्ड ऑन दैट. या अगर रिवेंज है, बिकॉज ये ऐसी औरत है कि इसके साथ आप पंगा करके बच नहीं सकते. खतरनाक बातें कर रही है, बिगाड़े माशरे को. मुझे बताती हूँ तुम्हें बेटा, रुलाया कैसे तुमने. तो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस कैरेक्टर. और हमारे जितने भी किरदार हैं फिल्म में, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वे. और एक और मजे की बात यह है कि हम किसी भी हमारे कैरेक्टर्स का, या जाले हो गई, मिली हो गई, उमर हो गए, आप कह नहीं सकते कि ये बुरा है, ये अच्छा है, बिकॉज इतने शेड्स हैं कि आप सोचते रह जाएंगे, शायद आपको इनसे हमदर्दी हो जाए एक सीन में, उसके बाद आपको गुस्सा आ जाए, आपको मेरे साथ हमदर्दी हो, फिर आप कहें कि नहीं ये तो गलत है, फिर आप शायद कहें कि नहीं कर तो सही रही है, उनके किरदार के साथ भी यही है. तो बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है ये कैरेक्टर्स निट किए हुए हैं, पूरी कहानी को जोड़े हुए हैं और उसको आगे लेकर जा रहे हैं. आई थिंक समथिंग द ऑडियंस. और सबसे मज़े की बात यह है कि ये किरदार ऐसा क्यों हुआ. हाँ, ओके, बताया गया तो है, उसमें जरा स्टोरी को रिवील इस तरह से किया गया है कि अचानक अगर उसामा आ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूजन है कि ये बंदा आया कहाँ से, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ. हाँ, तो फिर वो कहीं पे जाके आपको किसी जगह पे अचानक से पता चलेगा कि अच्छा ये सीन था. मूवी देख ली आप लोगों ने पूरी, या अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी? नहीं, पूरी नहीं देखी. आप लोग भी हमारे साथ ही देखेंगे? जरूर, बिल्कुल. जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो आप लोग गेस कर सकते थे एंडिंग क्या होगी? Individually, did you guess? Any of you guessed? Well, no. No. Not. Okay, so इसका मतलब हम भी नहीं guess कर सकेंगे. हमारे लिए भी surprise होगा. Right. Yeah, yeah. The end. जब मैंने actual आखरी scene पढ़ा था, I was like, this is so not what I was thinking. You know? Because I want to know. Because मुझे लगता है कि वो बड़ा exciting होता है कि वो हो जाए जो आप expect नहीं कर रहे हो. बहुत झटके लगेंगे इस फिल्म में लोगों को. Yeah. They're gonna have a good time trying to guess कि अच्छा. In fact, I was thinking कि I would say this, it might backfire. But आप अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप shirt लगा के जाएगा. और एक और चीज भी है कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो जब एंड तक पहुंचे तो आई वाज लाइक के आगे भी कुछ, अच्छा हाँ हाँ ये आगे भी कुछ दिल चाह रहा है कि हो ना. एग्जैक्टली, रुकें जरा, आगे और भी है मामला. मतलब इसमें इस पोटेंशियल है इस फिल्म के अंदर कि इसका सेकंड या थर्ड पार्ट भी आ सके या ट्रिलॉजी बन जाए. इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है फिल्म के अंदर. और चूंकि ये ऐसा एक जॉनर है जो पहली बार इधर एक्सरसाइज किया जा रहा है और प्रॉपर फिल्म बनाई गई है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो एक्शन फिल्म के शायकीन हैं, जो थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं, जो फैमिली ड्रामा फिल्म से बहुत दिलों का भर होता है, तो एक चेंज जरूर मिलेगा पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर. एक चेंज आएगा और इस तरह के जॉनर की फिल्म में एक संगे मील का किरदार अदा करेगी ये फिल्म के. बिल्कुल पहली जो उसकी बुनियादी फिल्मों में से शुरुआत यहाँ से हुई, तो लोग बोलेंगे हाँ भाई कारमा से हुई थी शुरुआत, इस तरह की फिल्में बनी. तो ये बताएं, वो गाड़ी ब्लास्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा उसमें ये सब कुछ एक्चुअल हुआ, आप में से कौन कौन उन सीन्स में था, कुछ बता सकते हैं? देखें, ऑब्वियसली देयर इज स्पेशल इफेक्ट्स, ऑब्वियसली. ओके, देयर इज आल्सो अ बिट ऑफ 3D इफेक्ट्स. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज दैट ये पूरी फिल्म जो है पोस्ट प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई है. Right. Good. That's good. And Kashan himself supervising all of it. Okay. Because he's also an expert in all of it. So the sound is fantastic. The post-production element of the film itself is fantastic. The score is fantastic. So
all of these elements have really contributed to making the film so much better than what we ever thought ki wo jo ek cheez banegi. So coming back to what you asked, ke explosions jo we think wo karne mein kitna maza aaya tha, again ye cheez main pehli dafa kar raha tha, right? I know, that's gaadi piche phat rahi hai aur ek slow walk ho raha hai na, so I had to think about it ke how to not make it cheesy. Kyunki bahut aasan hai usko bahut cheesy bana dena. True. So we had to do that. I think humne 4-5 ghante nahi 3-4 ghante lagaye honge sirf us shot ke liye, aur wo bhi tha ki to make sure ke jo even if you are using some special effects kuch to wahan hoga to manage expressions, dialogue and the surroundings. Absolutely. It's a challenge. Ek cheez aur hai ke audience se ye hum puchenge ya aap se hum baad mein jab film release ho jayegi to hum puchenge ke special effects kahan kahan the zara bataiye. Mujhe trailer mein nazar nahi aa rahe honestly, pehle ab to ye baat hai na ke wo aisa lage ke nahi hai asal lage, kyunki bada mushkil hota hai dono cheezon ko special effects aur जो 3D मॉडलिंग होती है और जो एक्चुअल एक्शन होता है, तीनों को बैलेंस करना. एक का भी वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो वो पूरी तस्वीर बिगड़ जाती है, फनी लगना शुरू हो जाता है, पूरा इफेक्ट खत्म हो जाता है. लेकिन कोई किस्सा है कुछ बता. एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए कि पाकिस्तानी फिल्म जो आज तक बनी हैं उसमें साउंड डिज़ाइन का कोई एज सच इतना बड़ा काम नहीं हुआ, माँ सवाए चंद फिल्मों के उसमें भी कहीं, लेकिन इस फिल्म के लिए मैं आई एम श्योर 100% कि इसका जो साउंड डिजाइन है ना वो कोई मजे आने वाले हैं सबके, बहुत मजा आएगा आप लोगों को. अगर गाड़ी इधर से गुजर रही है तो वो आपके सर के अंदर से लगेगा आपको कि गुजर के जा रही है. योर आइज, योर इयर्स, एवरीथिंग इज गोना बी अलाइंड. तो काशान ने इस पे जो काम किया है ना वो ऐसा काम है कि वो आपको इंटरनेशनल फिल्म्स जो आप देखते हैं जाके सिनेमा में और आपको वो वाला मज़ा आता है कि यहाँ से गाड़ी गुजर गई तो पीछे से आपको पूरा सराउंड साउंड दे रहा है, तो वो जो रियलिटी है वो जो उस तरह का साउंड डिज़ाइन है वो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा. सो मुझे बताएं कोई किस्सा जब ये सब शूट कर रहे थे, कुछ हुआ, ऑडियंसिस ने कुछ कहा जब, या वाइल शूटिंग एनीथिंग दैट यू कैन शेयर. बहुत हार्ड ऐसे इसकी जो शूट हुई है ना ऐसे टाइम में हुई है जिस टाइम में सारी दुनिया सो जाती है. Okay, रात के हाँ, हमने अपनी नींदों को खुदा हाफिज करके जो है हमने ये फिल्म बनाई है और जाग के और अपने आप को जगा के और अपनी एनर्जीज को सेव करके और टाइम इतना मुश्किल होता था कि आपको पता है कि जब फजर हो जाती है, सुबह हो जाती है तो सूरज तो जाहिर है वो तो निकलेगा. अब उस टाइम लिमिट के अंदर हमें वो सीन्स भी करने हैं, अपनी एनर्जीज को भी सेव करना है, नींद भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतने इंटेंस सीन्स हैं कि जिसमें आप बिल्कुल आपको फुल एनर्जी देनी है. तो बहुत ही मुश्किल थी हमारे लिए, चैलेंज था बाकायदा. और इसकी जो हमने शूट की है वो कोविड के दौरान शूट हुई थी, तो और हम उस पर और ज्यादा हमें थोड़ा सा था कि यू नो केयरफुल भी रहना है लोगों को, SOPs फॉलो करें. एग्जैक्टली, तो वो काफी इंटेंस प्रोसेस था. लेकिन अगर बात की जाए कि कोई फनी किस्सा या कुछ, तो फनी तो नहीं, इंटरेस्टिंग हो, एनीथिंग दैट हमारा was... एक सीन है मेरा और पारस का और ये मेरे मुझसे बात कर रहे होते हैं तो इन द कार आई हैव अ डॉग विद मी. तो वो इनका किरदार थोड़ा सा चौंकता है, उसको देख के डरता भी है, तो वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है. हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन एन एनिमल ऑन सेट और वो इतना खूबसूरत जानवर कि मैं अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी बार बार, यू नो कि अच्छा लाइंस छोड़ो डॉगी का. बट आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दैट सीन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. व्हाट अबाउट यू सामा, यू कैन शेयर समथिंग जो आपके सीक्वेंसेस थे. सो प्रेडोमिनेंटली द सीन रिवॉल्व्स अराउंड माय कैरेक्टर, शालिस कैरेक्टर, पारसस कैरेक्टर एंड उमर्स कैरेक्टर. ओके, राइट, दैट्स अ किडनैपिंग. तो बिटवीन टेक्स होता ये था चले बता दे, चले हंस के आ गया. बिटवीन टेक्स उमर एंड पारस आर आल्सो गुड फ्रेंड्स. ठीक है, ठीक है. मैं पारस को जानता था, उमर से मेरी पहली दफा मुलाकात हो रही थी, बट आई थिंक 3 दिन के अंदर अंदर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. जाले ऑब्वियसली आई नो सिंस चले थे साथ. तो हर टेक के दरमियान बहुत इंटेंस चल रहा है, बहुत डायलॉग और मतलब एक्सप्रेशंस ऑल ऑफ इट बहुत चल रहा है. कट हुआ और बिल्कुल ना ढीले पड़ गए, शदीद ढीले पड़ गए. हंसी मजाक और इतना मतलब मुश्किल कर दी थी यार इन दोनों ने. इन दोनों ने उमर ने और शाले कहते थे भाई भाइयों
ईजी हो जाओ, अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, हमें 6 बजे तक शूट करना है, आप लोग प्लीज ईजी रहें। ये लोग लगे हुए होते थे हर बात। अच्छा ऐसा होता था, ये मैं क्यों करता था, वजह ये थी कि जब सबको मैं देखता था, सब यूं जब हो रहे हैं ना, तो मैं कहता था कि यार मुझे भी इनको देख के अब खुद मैं भी डाउन होऊंगा, तो मैं क्या करूं। अच्छा अब ऐसा होता है कि उसमें देयर आर टू मच ऑफ टेक्निकलिटी इन द फिल्म, तो सीन को जब शुरू करने से पहले लाइट्स और बहुत सारे और मामला, ट्रैक इन ट्रैक आउट, ट्रैक बिछना है, क्या होना है, सारी चीजें, और फिर पीछे से कोई कुत्ता भौंक रहा है या कुछ हो रहा है, तो उन सारी चीजों का, क्योंकि सिंक साउंड हुआ हुआ है ना, तो बहुत Okay. ना होने के बराबर ही है। मतलब आपने कहा एक चैलेंज नहीं, हम हर चैलेंज लेंगे। जी जी उन्होंने बोला कि अब आप ये सोचें कि हम चार लोग गाड़ी में, मैं, जाले, उसामा और उमर, हम गाड़ी में, और हमारा बहुत ही कोई इंटेंस सीन होने वाला है, टॉर्चर वॉर्चर ये सब। अब वो अब ऑब्वियसली एक टेक्निकल मसला, तो फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो एक सीन ऐसा था जो कि बहुत उसमें जरूरत थी उस चीज की। तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, कुछ बहुत ही आई मेक फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, तो थोड़ा सा मैं ऐसी हरकतें कर जाता हूँ जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर जाता हूँ। लाइक मतलब ऐसी आवाजें निकाल लेता हूँ, या कोई ऐसा जोक कर देता हूँ कि जो बिल्कुल एक अजीब सा, एक वियर्ड सा आदमी करता है। तो ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा जैसा हुलिया था और मैं बहुत ही एक रोबदार और उसमें मैं गैंगस्टर कोल्ड ब्लडेड बना हुआ, तो मैं उसी में ही अपने कैरेक्टर में था, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग के मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ। एक इमेज बन जाती है ना बंदे की कि नहीं यार ये तो भरमबाज है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और इतनी देर हो गई, इतने टेक्स हो गए। तो अब वो ऐसा हो रहा था कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो बीच में कह रहे थे दोबारा करेंगे, फिर हम सीन कर लें, तो वो कह रहे थे दोबारा करेंगे, फिर हम सीन कर लें पूरा, फिर वो कहें दोबारा करेंगे। तो करते 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 तकरीबन हम कोई 8-9 टेक्स तक पहुंचे थे। उसमें कभी किसी का क्यू मिस हो गया, कभी लाइट का इशू हो गया, जब तक वो पूरा एक एंसेंबल, पूरा एक अपनी खूबसूरत शक्ल में, परफेक्शन में आ जाए वो सीन, तो उस तक पहुंचते बंदा पहुंचता है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है। तो मैंने देखा ये भी ड्रेन हो रहा है, वो सब ड्रेन हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है। तो इससे पहले कि अब हमने ये सोच लिया, उमर और मेरी तफरी चलती रहती थी, हमने ये सोच लिया कि अब डायरेक्टर यही बोलेगा कि फिर से करेंगे। तो इससे पहले कि डायरेक्टर बोलता फिर से करेंगे, मैंने कहा फिर से करेंगे। तो जब मैंने ऐसे बोला तो एवरीवन वाज लाइक ये कहां से आवाज आई। एग्जैक्टली और सो फनी, इतना हंस हंस के पागल हो गए, और सीन एक जगह और हमारे नहीं कर पाए ना, बिकॉज वी वर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, वी वर ऑलरेडी वेरी वेरी टायर्ड। लेकिन अब ये पारस कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के किया था, ठीक है, पर अगर आपकी, जी जी ये दिल से निकली थी। हाँ बट वाकई में सही कह रहा है, मैं इतना genuinely मैंने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, और मैं बिल्कुल यूं था, मैंने कहा फिर से करेंगे, और हंस हंस के पागल डायरेक्टर साहब कह रहे हैं भाई टाइम जा रहा है, कर लो सी। बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू शूट इनसाइड द कार, बिकॉज़ गाड़ी में देयर वर मोमेंट्स वेयर, क्या चैलेंज था, तो और वो भी गाड़ी जब चल भी रही हो। आमिन सूट, अच्छा द गुड थिंग वाज कि सर्दियों में हम शूट कर रहे थे, अच्छा तो बचत हो गई थोड़ी, तो यहाँ पे गर्मी ने हमें नहीं मारा क्योंकि आउटडोर्स था, सो देयर इज नो वे कि हम कुछ बन वन करके एसी चला के, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो शुक्र है कि वेदर वाज गुड, मगर ये जरूर हो रहा था कि एक वक्त आता जब हम सब कहते अच्छा बस अब गाड़ी से निकलने लगे, we need to take a walk, आपके घुटने सो गए, आपकी टांगे सो गए, आपकी कमर टेढ़ी हो रही है, yeah, exactly. Like he said कि गाड़ी में हमारे सीन्स भी जितने भी हैं, वो भी गाड़ी में, किया, और इतनी सी जगह है, अच्छा। और मैं और उसामा हम लोग फंसे हुए हैं, रोमांस और मुझे सिर्फ एक टी शर्ट पहननी थी ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी जो था वो हम अलग दिखा रहे थे। किडनैपिंग का हमने दिखाया था कि सर्दियों में हो रही है, मगर जो फ्लैश बैक्स एंड व्हाटएवर इट इज वो नॉर्मल वेदर में हम दिखा रहे थे। सो आई हैव टू वेयर टी शर्ट, She has to wear a single or double layer. That's it. Nothing more than that. और मैं कांप रहा हूँ। I can feel my body shake. बज रहे थे हम दोनों के। और एक और मसला ये भी हुआ कि कुछ शूट जो रह गई,
कुछ सीक्वेंसेस रह गए बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, तो अब जो सर्दियों के सीन थे वो हमको गर्मियों में भी करने पड़े, तो वो गर्म कपड़े पहन के गर्मियों में जो हमने सर्दी दिखाई है अपने अंदर, तो वो बहुत मुश्किल था. और इसके अलावा जो है, इंशाल्लाह जब आप फिल्म देखेंगे तो एक एक कैरेक्टर की अदाकारी को आप थॉरली इंजॉय करेंगे, मोमेंट्स को इंजॉय करेंगे, म्यूजिक को इंजॉय करेंगे, जो गाने हैं. और उसमें खुर्रम इकबाल जो हैं उनका भी, उन्होंने भी गाए हैं गाने. और कौन गाए? लिली, इन फैक्ट हमारी जो कास्ट मेंबर हैं, या शी इज अ सिंगर, या शी इज अ सिंगर, तो उनका भी एक बड़ा प्यारा सा गाना है उसमें. एंड द फन थिंग इज कि इसमें सिचुएशनल उसमें हमने गाने रखे हैं पूरी फिल्म में. ऐसा नहीं है कि मुझे बताएं हाउ डिफिकल्ट इट इज टू शूट इंटीमेट सीन्स. I think being Pakistani, being you know it, belonging to industry, actually इतना हम experiment नहीं करते ना, इस तरफ नहीं जाते, बड़ा boundaries नहीं करते. यहाँ तो मुझे थोड़ा लगा आपको नहीं, because हमने दोनों ने audition process जब चल रही थी, हाँ we got to practice, yeah थोड़ी सी rehearsal हमारी हुई, rehearsal की थी. और शुरू में of course because इस तरह का scene जो है, intimate scenes जो भी होते हैं, चाहे आप हाथ पकड़ रहे हैं, चाहे आप कंधे पे सर रख रहे हैं, वो केमिस्ट्री और वो कंफर्ट लेवल चाहिए होता है. को-स्टार का इतना ट्रस्ट चाहिए होता है, इतना भरोसा चाहिए होता है कि आपको पता है कि अगर मैंने कंधे पे सर रखा तो वो he'll be okay. Like it's part of the scene, so you can carry it forward. Yes, and करें जो भी हो रहा हो. तो डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे लिए इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि गाड़ी में था. एक तो ये एंड द कोल्ड मैन, सर्दी ने रोमांस निकाल लाइक अगर हाथ लगाना तो हाथ ना बर्फ यूं लग रहा है. एंड इट्स अ टाइट शॉट एंड इट विल बी इन द सिनेमा, तो हल्का सा भी शेक दिखेगा. बेचारा काशान हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं सामा You're shaking. Heater on कर लो. हाँ, heater on कर लो. आ जाओ इधर, आ जाओ heater के पास बैठ जाओ थोड़ी देर. These are challenges. Yeah, yeah, yeah. It was legit. हाथ की बात कर रहे हैं, with the shot with my feet in your lap. मेरे पैर बर्फ हो रहे थे. They were. और इसको बेचारे को दबाने देना, I felt horrible. I was like, Allah, मेरे ठंडे ठंडे पैर बेचारा. हम करके उस guy, because he was also cold. I was cold, and we were just like, बस हो जाइए किसी तरह. Because एक सेकंड के लिए भी अगर आप काम पे या आपका हो गया तो वो दोबारा से पूरा होना पड़ता है. हाँ, लेकिन उन सीन्स में ऑडियंस को बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं होगी. होपफुली. सो वन रीजन गिव मी, ईच वन ऑफ यू पीपल शुड गो एंड वॉच दिस मूवी. वन रीजन एंड व्हाई इज दिस थिंग न्यू एज थ्रिलर ड्रामा क्राइम. सो न्यू एज सिनेमा इन द सेंस, सो इट्स नॉट इंटरनेशनली और ग्लोबली न्यू एज, इट्स समथिंग दैट exists in the world, but for Pakistanis it is very much a new thing. The kind of storytelling it is, the timeline of the story it is, the it's not a straightforward linear storytelling. As I say, ab linear non-linear are technical terms, magar basically there's a lot of back and forth in the story, right? So that's where the new age element comes in. One reason why anyone should go and watch our film, main ye bolunga ke because it's fun. Yeah. It's just very entertaining. Like it's an action movie with crime elements and the thriller elements and the madness and the psychopathic elements jo uske andar hai. Oh, it's just so much fun. That's one of the reasons why main ye karta hu ki jab bhi main koi film agar aati hai meri taraf to main ye dekhta hu bhai as a viewer would I enjoy this. Forget the acting element. Yeah. Wo to secondary hai. तो जब मैंने पढ़ी थी मैंने कहा यार दिस हैज इट्स फन, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फन. तो दैट्स माय रीजन. ओके, पारस साहब इसलिए देखें कि मैं हूं इस पे. नाइस. और मैं वैसे जो सही बात है वो ये है कि डायरेक्टर साहब की पहली फिल्म है और इनका पैशन प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने अपना पूरा प्यार मोहब्बत उसके फिल्म को दिया है. एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इसमें सब कुछ है. इसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है, गुस्सा भी है, आग भी है, और गोलियां भी हैं, और रिवेंज भी है, और प्यार मोहब्बत भी है, हसद भी है, बदला भी है. तो जो एक ऑडियंस को चाहिए होता है ना, तो पैसा वसूल है. तो आप जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, जरूर देखें और शर्त भी लगाएं, और आप हमको बताएं कि कहां स्पेशल इफेक्ट लगा है.
मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरी पहली है फिल्म, तो मेरी तो खुद से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो एक साइड पे रख के आई थिंक जितने भी लोग सिनेमा जाएं वो एक ओपन माइंड के साथ जाएं, आप ये सोच कर जाएं कि आप एक ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा बनी है. हम ये नहीं कह रहे हमारी फिल्म परफेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली आप ऐसी चीज़ें उसमें देखेंगे जो कि आपको पसंद आएंगी. यू नो अदाकारी तो एक अलग ही चीज़ होती है, एक्टिंग तो सबको पसंद आ जाती है, लेकिन जिस तरह हमने कहा है कि जो थीम है मूवी की, और अगर आपको थ्रिलर्स पसंद हैं, मिस्ट्री पसंद है, रिवेंज क्राइम थ्रिलर्स के आप फैन हैं, तो आप ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा. एंड ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से, ताकि ये अगर पहली है जिस तरह पारस ने कहा था कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हो सकता है इंशाल्लाह अगली वाली हम इससे और ज़्यादा बेहतर बनाएं ताकि आप लोग खुश हों और दूसरे जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं और जो ऑडियंसेस हैं वो इस जॉनर को एक्सेप्ट करें. क्योंकि हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं बताने के लिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत जॉनर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि हमें कहा जाता है कि नहीं जी तो कोई नहीं देखेगा. अगर आप देखेंगे तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि बनाते. और ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें. और आपकी फिल्म है, आप सपोर्ट करें, आपके मुल्क की फिल्म है और इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है और सिनेमाज में लोगों के फुटफॉल की ज़रूरत है. आप आए सपोर्ट करें, ये हमारी हौसला अफजाई होगी, हमने इतनी मेहनत की है और बेहतर काम करेंगे जेन्युइनली पसंद आई, मजा आएगा. मजा जरूर आएगा. I was reading an article where it said that it's inspired by Quentin Tarantino's. Yeah. Oh yeah, yeah. There's a lot of. Did you guys see any of those movies? On कोई references आप लोगों ने अपने अपने characters के लिए लिए, कुछ ऐसा process होता है आप लोगों का? So not the character wise. Characters were very much already created. They were created. They were what it was. Shooting style and जिस तरह से पर वो तो director और DOP आ जाएगा. But आप लोगों के reference से मैं बात कर रही हूँ. Sometimes actors करते हैं ना कि फलाना कैरेक्टर फलाना एक्टर, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, बट यू नो दे जस्ट गो थ्रू अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स. ओके वी कैन मे बी यू नो गो इन दैट डायरेक्शन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डूइंग समथिंग लाइक दैट. और मे बी यू क्रिएट समथिंग जो यू नो हर किसी को इंसान को शौक होता है. फॉर एग्जाम्पल यू लाइक मुझे रोमांटिक सीन ऐसे करना है, मुझे एक्शन सीन ऐसे करना है. सो व्हाट्स द प्रोसेस फॉर यू गाइज, इसमें आप लोगों ने कैसे किया? फॉर मी आई वुड से आई रिसर्च्ड अ लॉट ऑफ because she's a psychologist. Okay. So maine how I would ask a question. Bahut nosy to nahi lag rahi poochte hue. I need to be and sound and behave like a professional on camera taaki jo audience dekh rahi hai ki ye waqai ek doctor lag rahi hai, kisne is tone mein se ye sawal pucha. I really like this jo aap bata rahi hain. Yeah, very interesting fact. So I read up on that. I read up on the demeanor, tone of voice kaisi hogi, agar sympathize kar rahi hai, empathize kar rahi hai किस तरह, कितना, किस हद तक करेगी. तो मैंने इस चीज पे रिसर्च की थी. बट दिस इज अ लॉट टू बी व्हिच इज इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी. आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं वैसे कभी भी कोई भी किरदार करने से पहले मैं रेफरेंस कभी नहीं लेता. कि मुझे कहीं से मैं रेफरेंस लूं कि मैं ऐसे करूंगा, नहीं. हां, जो किरदार है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे चलता फिरता होगा, वो कैसा दिखता होगा, तो इस पे मैंने वर्कआउट किया कि अगर मैं, ये वैसे मेरा तरीका है, मेरा मेथड है, कि अगर मैं गैंगस्टर होता तो मैं कैसा होता. तो बाल भी आपने खुद आपने डिसाइड किया कि मैं लंबे करके पूनी बांधूं? हां, एक तो ये था कि कोविड में मैंने लेंथ अपने बालों की छोड़ दी थी. और फॉर्चुनेटली जब ये फिल्म आया, स्क्रिप्ट पढ़ा और जब स्क्रीन पे टेस्ट वगैरह हुआ कि भाई किस तरह की लुक एंड फील आ रही है, तो देवर लाइक उन्होंने मुझे देखा, बोला ये बना बनाया भाई, ये तो इसको तो मुझे ये तो है ही गुंडा. हाँ, तो बिल्कुल वो अंदर जो गुंडा छुपा होता है उसको मैंने निकाला बाहर. और जो बेस्ट स्मार्टेस्ट चॉइस थी उस किरदार के लिए वो मैंने ली. और मेरा ख्याल है कि उसमें मैं कामयाब भी हुआ और डायरेक्टर मुझसे बिल्कुल सेटिस्फाई थे इस हवाले से कि ओके है. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ डायरेक्टर को, बार बार जाके पूछता हूँ सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है. क्योंकि मैं आखिर वक्त तक कंफ्यूज रहता हूँ अपने बारे में कि पता नहीं मैंने क्या किया है. तो वो फिर बाद में ऑडियंस के फीडबैक से बहुत ज़बरदस्त किया था. बिकॉज मेरा पहला सीन जब पारस के साथ शूट हो रहा था, ये ट्रेलर में आए अंदर बैठने के लिए और मैं थोड़ा सा इंटिमिडेट हो गई इनको देख के. मैंने कहा ये तो बहुत ही और मुझे जो सारे सीन्स जो मेरे
पसंदीदा सीन्स हैं वो एक उसामा के साथ एक एक सीक्वेंस है वो मेरा फेवरेट सीन है इसके साथ और इनके साथ जो सीन्स है ना वो मुझे बहुत बहुत मजे के क्योंकि क्योंकि उसमें मुझे अपने वो कैरेक्टर की जो आर्क है ना वो नजर आ रही है वो नहीं उसको तोड़ना था अपने कैरेक्टर की जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसका जो भरम है जो वो ग्रेंजर है उसको तोड़ के एक अलग फेज में जाके इंटरेक्ट करना था इनसे तो मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया और मैं सोचता था यार वो बार बार फवाद भाई जो है ना वो पीछे से जो राइटर थे ना वो बार बार मुझे कहते थे देखे पारस भाई यहाँ पे जो है ना आपका एक एक लवर बॉय आना चाहिए यहाँ पे जो है ना ये एक बात मैं बता दूँ इन सबके जो किरदार हैं चाहे वजदान है चाहे उमर है चाहे नवीन है चाहे जाले हैं जो भी किरदार है वो किरदार जो है ना वो ऐसा सीधा नहीं है सारे टेढ़े किरदार हैं उनके सबके शेड्स हैं लेयर्स हैं एक जगह पे कोई कैसा है तो कहीं किसी कहीं और कुछ और है वो तो ऑडियंस ही बोलेगी कि अभी ये तो ऐसा सीधा आदमी था फिर ये क्या हो गया एग्जैक्टली दस द लाइन के कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है एक तो ये दूसरा ट्रेलर में जितनी भी हमने चीजें दिखाई हैं अगर उसको जहन में रखते हुए अगर आप सिनेमा जाएंगे तो आप सब गलत गेस करेंगे इस फिल्म का जिस तरह ये कह रहे हैं कोई भी किरदार सीधा नहीं है दैट्स व्हाई द वर्ड कार्मा जैसा करोगे वैसा भरोगे तो हम सब जो हैं वी आर गोना बी फेसिंग आवर ट्रू कार्मा वेदर वी आर गुड पीपल या बैड पीपल सो द ऑडियंसेस आर गोना लव दैट ओके सम आपका वो रह गया प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट मेरा प्रोसेस तो क्वाइट सिमिलर टू द वे पारस वर्क्स ओवरऑल आपको समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है चलो ठीक है ये इंसान ऐसा है अब कहाँ पे वो किस तरह बिहेव कर रहा है उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है क्यों क्योंकि फिर आपको कनेक्ट भी करना है कि अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है अगर वो करता है तो वो क्यों करता है बिकॉज आई डिडंट हैव ए रेफरेंस एंड मच लाइक हिम आई डोंट इफ़ यू गेट अ रेफरेंस कि ऐसा जैसा जो भी हो तो फिर यू गेट स्टक इन दैट आप फंस जाते हैं फिर आप कहते हैं यार मैं तो मगर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ मगर मैं अगर मैं वैसे ही कर रहा हूँ तो फिर इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ है सो दैट्स वन एलिमेंट बट वन थिंग दैट दैट आई सपोज जस्ट हैपेंड इज अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हैपेंड नोइंग द सिचुएशन नोइंग द कैरेक्टर नोइंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एज वेल तो अ लॉट ऑफ आवर सीन्स स्पेशली अ लॉट ऑफ थिंग्स वर जस्ट हैपनिंग तो That's I guess that's what happened with me. मैं वो नहीं हूँ कि जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाए मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ मैं तंग बहुत करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ये बताओ ये समझाओ मुझे बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि अगर मुझे समझ में नहीं आएगा ना नहीं कह सकता दो लाइन भी बोलनी है दो लफ्ज़ भी बोलोगे नहीं निकलेंगे मुँह से ही नहीं निकलेंगे वो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मज़ा आ रहा था कि सारी जो बिहाइंड द सीन्स एफर्ट लगी है और जो रिसर्च गई है और जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं वी रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द मूवी इन द सिनेमास एंड विश यू ऑल द बेस्ट जरूर आइएगा जरूर देखिएगा हमें बताइएगा कैसी लगी और आगे आप क्या देखना पसंद करें और इसके साथ हम आपको और कंटेंट देकर जा रहे हैं फिल्म देखिएगा और फिल्म के बाद आपने रिव्यूज जो हैं वो भी उसका एक एपिसोड कीजिएगा तो और उसके बाद भी हमें बुलाइएगा ताकि हम फिर और आपसे गपशप लगाएं फिर मजेदार बात फिर हम डाइसेक्ट करेंगे मैं तो एक्चुअली यही चाहती होती हूँ मोस्टली कि फिल्म के बाद बिकॉज फिर मुझे लगता है इतनी और बातें होती अच्छा ये सीन कैसे किया था अच्छा ये क्या था ये ट्विस्ट क्यों हुआ बट आई अंडरस्टैंड कि pre-release promotions are also important to unka apna ek value aur standing hai so hum kar rahe so we wish you all the best thank you so much take care 2nd September kahin bhi kuch bhi ho sakta hai